तो भाइयों, मैं हूं गैस गलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी ऑल न्यू 2024 वाली होंडा CB350। तो भाई, आज के इस पूरे वीडियो में इन दो गाड़ियों का कंपैरिजन है। एक तरफ मेरे साथ खड़ा इसका टॉप वेरिएंट और एक तरफ खड़ा इसका बेस वेरिएंट। प्राइसिंग की बात करें तो मात्र 17,000 रुपये का इसके अंदर आपको अंतर मिल जाता है। बात करी जाए तो एक तरफ हो गया डिलक्स और एक तरफ हो गया डिलक्स प्रो, मतलब टॉप वेरिएंट हो गया डिलक्स प्रो और ये वाला हो गया भाई डिलक्स, है ना। तो 17,000 रुपये का अंतर है। तो क्या चीज़ें इसके अंदर आपको ज़्यादा मिल जाती है कंपेरेटिवली, इसके उस सारी चीज़ों की बातें करेंगे। और अगर आप इंदौर से हो, होंडा बिग विंग की कोई सी बाइक लेना चाहते हो तो होंडा बिग विंग टॉप लाइन इंदौर ईस्ट में आता है। जितनी भी शोरूम की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं इन दो गाड़ियों के कंपेरिजन से। तो भाई, सबसे पहले ना इन दो बाइकों की चाबी की बात कर ले तो आपको यही टिपिकल होंडा की मिल जाती है इसके अंदर, जो हाइनिस वगैरह सब में आती है। तो सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करी है तो कोई भी आपको अंतर नहीं मिलेगा टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में। अब टॉप वेरिएंट और बेस वेरिएंट में अंतर क्या आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर आपको क्या, जो बॉडी कलर है, जैसे बॉडी कलर है, इसके अंदर आपको ये वाला फेंडर नहीं मिलेगा, यानी कि बॉडी कलर फेंडर नहीं मिलेंगे आपको, ब्लैक में मिलेंगे। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हो तो आपको बॉडी कलर फेंडर मिल जाएंगे, जैसे आप देख सकते हैं मडगार्ड पूरा दे के रखा है इसी बॉडी कलर में। तो ये एक अंतर इसके अंदर हो जाता है। फिर बात करें जो दूसरा अंतर है वो है भाई इसकी क्रोम। यहाँ देखो आप, इसके हेडलाइट के ऊपर ना मैट सा दे के रखा है जो कि ग्रे कलर की फिनिश में दे के रखा है, लेकिन यहाँ पर ना आपको क्रोम मिल जाता है। साथ ही में जो आपको हेडलाइट के ऊपर की क्रोम मिलती है वो भी यहाँ पर मिल जाती है, और वही चीज़ यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। तो फ्रंट से ये चीज़ में अंतर आ जाता है। अब एक बार इन गाड़ियों की प्राइसिंग की बात कर लिया है तो जो इसका बेस वेरिएंट है यानी कि डिलक्स वेरिएंट, इस गाड़ी की प्राइस है 1,99,990 रुपीज़ एक शोरूम। और इस बाइक की बात करें जो कि डिलक्स प्रो है, उस बाइक की एक शोरूम प्राइस हो जाती है 2,17,800 रुपीज़ एक शोरूम। तो ज़्यादा मतलब 17,800 रुपये का लगभग इसके अंदर अंतर आ जाता है। फ्रंट से बात करी जाए तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलते हैं। आगे आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है, एक बार मैं चला के बता देता हूँ आपको। तो भाई, इसके अंदर ना आपको पूरा LED सेटअप मिल जाता है, जिसके अंदर हाई बीम लो बीम का मिल जाता है। साथ ही में जो इसका DRL ना भाई ग्लोइंग ही है, मतलब आपने होंडा हाइनिस देखी होगी, CBRS देखी होगी, उसके अंदर भी सेम टू सेम आपको ग्लोइंग ही मिलते हैं, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। जैसे ग्लोइंग आप पूरी हेडलाइट चेक कर सकते हैं, लो बीम हाई बीम के साथ आपको मिल जाती है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, आप जैसे कि चेक कर सकते हो उधर की तरफ भी मिलता है। और हाँ, बात यह है कि टेलीस्कोपिक में ना आपको ये भी यहाँ पे ग्रीन कलर में, यानी कि जो इसका बॉडी कलर है उसमें मिल जाएगा, और इधर की बात करें तो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, यानी कि बेस वाला थोड़ा सा आपको वाइप दे देगा। फिर बात करते इधर की, तो आपको ना यहाँ पे डुअल चैनल ABS मिल जाता है, आगे की तरफ पीछे की तरफ भी मिल जाता है। डिस्क की बात भी करेंगे, और इधर की बात करें तो आपको इधर भी सेम टू सेम ऐसा ही मिल जाता है। सबसे पहले टायर साइज़ की बात कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है 100x19 इंचेस यहाँ पे मिल जाते हैं। स्पोक्स अलॉय दे के रखे MRFA टायर यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके डायमंड यानी कि ब्रेक की बात करी जाए तो आपको 310mm के यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, निफिन ब्रांड के मिल जाते हैं। इसका पूरा डायमीटर हो जाता है 310mm का, और फ्रंट में भी आपको सेम यही मिलता है इस तरफ भी। तो ये ही फ्रंट से हो जाती है, जहाँ पे आपको निफिंग की ब्रेक्स मिल जाती है 310mm के, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देके रखे, उधर की तरफ भी आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। सबसे पहले आप कलर चेक करो, इसके अंदर आपको 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहले ना जो चीज़ें हैं मैट के अंदर, आपको 3 कलर मैट ऑप्शन में मिल जाएंगे, यानी कि जितनी आप मैट फिनिश देख रहे हो ना ऐसी की ऐसी, आपको 3 कलर इसमें मिल जाएंगे और 2 आपको ग्लॉस में मिल जाएंगे। अब वो 2 कौन से कलर है, एक तो भाई अपना पर्ल इग्निस ब्लैक हो गया जो कि आपको ग्लॉसी में मिल जाएगा, है ना, और साथ ही में जो हो गया एक पर्ल रेड कलर का, जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कि रेड मेटेलिक आपको मिल जाता है। और इन दो कलर की बात करें तो मैट ड्यून आपको यहाँ पे ब्राउन मिल जाता है। साथ ही में आपको बात करी है तो यहाँ पे आपको मैट मार्शल मेटेलिक ग्रीन मिल जाता है, जो कि आप पूरा चेक कर सकते हैं इस कलर का, जितने भी ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। और फिर एक जो मिलता है ग्रे कलर में, वो भी आपको मैट क्रस्ट मेटेलिक मिल जाता है। तो साइड तरफ आते हैं तो साइड की तरफ बाइक कुछ इस तरह से दिखती है। बाइक कंपेरेटिवली अगर आप हाइनिस को कंपेयर करोगे तो लेंथ में आपको कोई भी अंतर नहीं मिलेगा। जो चीज़ एड ऑन करी वो है वेट। अब जो वेट ऐड कर दिया ना वो कर दिया 187 kg का, और जो पहले हाइनिस आती थी उसके अंदर आता था 181 kg का। तो जो वेट में ऐड करके रखा है, उधर की बात करें तो आपको सेम वैसा का वैसा ही इधर से मिल जाता है। एक बार मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, इधर से भी ना आपको भाई सेम टू सेम मिल जाता है। एक बात करो तो जैसे ये है ना गाड़ी सीधे कम्पीट करती है क्लासिक 350 से कम्पीट करती है, तो आपको कलर भी वैसा मिल जाता है और आपको रेट्रो लुक पूरे इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ली जाए तो जो इंजन है ना भाई आपको सेम टू सेम वही मिल जाता है हाइनिस वाला। हाँ, थोड़ी सी इसके अंदर 1 आधी PS की पावर कम कर दी गई। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 348.36 cc का आपको इसके अंदर सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 21.07 PS और टॉर्क प्रोड्यूस करता है 29.4 Nm टॉर्क। हाइनिस 30 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। बाकी पावर की बात करें तो सेम टू सेम आपको कर देती है। फिर यहाँ बात करें तो टैंक की, यहाँ पे देखो 15.2 लीटर का आपको मैसिव से यहाँ पे टैंक मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाती है CB350 की बैजिंग, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। और ये ना यहाँ पे आपको मिल जाता है एडिशनल आपके घुटनों के लिए, यानी कि आपके पैरों के लिए ज़्यादा अच्छी ग्रिपिंग के लिए। यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसका टॉप व्यू, जहाँ पे आपको पूरी मेटेलिक में मिल जाती है, और कलर बहुत ही शानदार लग रहा है।
मतलब इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे E20 की बैजिंग मिल जाती है। E20 यानी कि एथेनॉल प्लस पेट्रोल का जो अपकमिंग फ्यूल आने वाला है। अब जो मैं बात कर रहा था इसके अंतर में, यानी कि जो 17,000 रुपये आप जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पे करोगे तो वो जो अंतर आता है ना वो यहाँ पे आता है। आपको जो चीज़ें मिल जाती है ना वो है भाई यहाँ पे कंट्रोल्स, आप चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल जाती है, और वहीं बात करें इधर की तो आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं मिलती। आप चेक कर सकते हैं नॉर्मल सा यहाँ पे देखे रहे हैं क्लस्टर, यहाँ पे भी आप पूरे MIDs की चेक कर सकते हैं। 160 तक टॉप है, और जो टॉगल करना रहता है ना आपको यहीं से करना पड़ेगा चीज़ें, यानी कि एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी कितना क्या दे रही है, रेंज वगैरह सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, बैटरी आउटपुट वोल्टेज क्या है। और इधर की बात करें तो ना हम यही सारी चीज़ें ना हाथ से यहाँ पे टॉगल कर सकते हैं। जैसे मैं अपने यहीं से टॉगल कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें यहाँ पे टॉगल इजीली हो जाती है, रेंज किलोमीटर ट्रिप पे ट्रिप भी एवरेज वगैरह सारी चीज़ें बता देती है। और फिर आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है अपने ब्लूटूथ की, यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे पूरा दे के रखा है। ये इसके हो जाते हैं भाई रेट्रो से साइड ORVM यानी साइड ग्लास। अब व्यू की बात करें, मेरे पास भी होंडा है नहीं से, तो भाई व्यू अच्छा खासा ऐसा कोई है नहीं कि आपको यहाँ पे व्यू में कोई लैक मिलेगा। 160 की आपको मिल जाती है, कंपेरेटिवली होंडा है नहीं से अंतर यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक बार हॉर्न की बात कर लेते हैं तो आपको हॉर्न वही होंडा हैनिस वाला मिल जाए, तो उससे भी थोड़ा लाउड आपको यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है। यहाँ से सारी चीज़ें टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डिपर देने का बटन देके रखा है, यहाँ पे पास का, यहाँ पे एंटर वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यहाँ पे इंडिकेटर का बटन देके रखा है, और जो चीज़ है ना यहाँ पे उल्टी देके रखी है, यानी कि अगर आपने होंडा की हैनिस कभी चलाई हो या फिर नहीं चलाई तो पहली बार देख रहे हो तो यहाँ पे आपको जो चीज़ है ना वो उल्टी मिल जाती है। इधर की बात करें तो आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का बटन देके रखा है। और इधर की बात करें तो सेम टू सेम आपको इंजन किल स्विच मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैजर्ड लाइट का बटन देके रखा है। आपके फ्रंट ब्रेक के लिए ऑयल मिल जाता है यहाँ पर, और सेम टू सेम आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है जैसे कि आप चेक कर सकते हो। और यहाँ से आप चाहो तो अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, सेम टू सेम केस यहाँ पे भी आप अपना यहाँ पे USB पोर्ट है तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बात करिए सीट की, तो इसके अंदर आपको ब्लैक कलर की स्प्लिट सीट मिलती है, और भाई जो सीट है ना मतलब अच्छी खासी आपको यहाँ पे कुशनिंग देती है, जैसे आप चेक कर सकते हो, तो बढ़िया आपको यहाँ पे कुशनिंग मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ बात करी जाए तो आपको वही जो चीज़ें बताई थी मैंने, एक डाउन चार अब आपको गियर मिल जाते हैं, पांच गियर मिल जाते हैं। यहाँ पे इसके फुटपैक देके रखे हैं जो कि अच्छे हैं। आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स आपको पीछे की तरफ मिल जाते हैं यहाँ पे आपको सारी गार्ड देके रखा हुआ है। और इधर की बात करें तो इधर भी आपको ऐसा ही सेम टू सेम पिक्चर यहाँ पे मिल जाती है। जो अंतर आपको दिख रहा होगा जैसे कि ब्लैक ट्रीटमेंट है, ये यहाँ पे ब्लैक है, वहाँ पे पूरा उस बॉडी कलर में ही है। तो अगर आप 17,000 रुपये देते हो तो आपको जो चीज़ें मिल जाएगी वो मैंने बता चुका हूँ, मतलब आपको बता देता हूँ। तो फ्रंट्स आपको एक तो सबसे पहले ये बॉडी कलर में मिल जाएगा, ये यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाएगी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे। फिर बात करें तो पीछे का भी जो फेंडर है आपको बॉडी कलर मिल जाएगा, इतना अंतर आपको यहाँ पे मिल जाएगा उस वाली से और इसके अंदर, मतलब 17,000 रुपये के अंदर। और फिर बात करी जाए पीछे से, तो पीछे से भाई बाइक कुछ इस तरह से हो जाती है, जिसके अंदर आपको मिल जाती है इसकी होंडा हैनिस जैसी ही टेल लाइट्स, और साथ ही में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो टायर सेक्शन आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो टायर सेक्शन हो गया 130/70R18 इंचेस यहाँ पे मिल जाते हैं, 240mm के आपको पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं जो कि निफिन की तरफ से ही है। अब भाई बट ऑब्वियस है कि पीछे के ब्रेक इतने अच्छे नहीं रहते, क्योंकि मेरे पास भी होंडा हैनिस है, उसके ब्रेक भी पीछे का इतना अच्छा नहीं है कंपेरेटिवली आगे के ब्रेक के, तो यही चीज़ें हो जाती है। अब इसका एग्जॉस्ट देखो, एग्जॉस्ट में ना भाई चीज़ें चेंज कर दी गई है, इसका टिप देखो, होंडा हैनिस में ऐसा नहीं आता। एक बार इसका आपको एग्जॉस्ट हम सुना देता हूँ मैं, तो भाई कुछ इस तरह से इसका एग्जॉस्ट हम हो जाए, एक बार आप सुनो। कुछ इस तरह से इसका एग्जॉस्ट हम सुना था, होंडा हैनिस के कंपैरिजन में थोड़ा सा अलग आपको साउंड मिल जाता है क्योंकि टिप यहाँ पे आके रखी है। और आपको चीज़ें मैंने बताई जैसी ये थी, तो भाई यही था पूरा का पूरा वॉक अराउंड जो कि कंपैरिजन वीडियो। बात करी है होंडा CB350 डिलक्स वेरिएंट वर्सेस डिलक्स प्रो की, कीमत की बात कर ले तो 17,000 रुपये का इसके अंदर आपको अंतर मिलता है। और एक बार मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस और सैडल हाइट भी बता देता हूँ, तो 800mm की इसके अंदर आपको सैडल हाइट मिल जाती है, यानी कि जहाँ से आप बैठते हो वहाँ तक की। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एज सच मेरे पास होंडा हैनिस से आज तक कोई भी इशू मुझे आया नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर, कभी भी मेरी गाड़ी नीचे से कभी टच हुई नहीं है। तो भाई लेंथ वाइज देखी जाए तो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इसी बाइक की लेंथ है, अगर आप कंपेयर भी करते हो ना भाई अपनी क्लासिक 350 से, बुलेट 350 से, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर आपको मिल जाती है। और ये जो कलर है भाई बहुत ही शानदार आपको ये कलर मिलता है। तो एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये दोनों बाइक कैसी लगी, टॉप वेरिएंट वर्सेस बेस वेरिएंट। और भाई अगर आपकी कुछ भी सुझाव है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप होंडा की कोई सी भी गाड़ी लेना चाहते हो तो होंडा बिग विंग टॉप लाइन आपको जितनी भी शोरूम की डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंदौर ईस्ट में आता है। तो भाई यही था पूरा का पूरा वॉक अराउंड और कंपैरिजन बिटवीन बेस वेरिएंट वर्सेस टॉप वेरिएंट। एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं अगले किसी रिव्यू में, अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस गिलाश को। धन्यवाद।